अगर आप एसआरके के केकेआर टीम के फैन है तो जाइए, जश्न मनाइए, फटाके बोलिए, डांस करिए, नाचिए, क्योंकि आपकी फेवरेट टीम 2024 की आईपीएल की नंबर वन टीम बन चुकी है। टॉप फोर के अंदर जगह बना ली, टॉप फोर छोड़िए टॉप टू के अंदर जगह बना ली, टॉप टू के अंदर नंबर वन टीम बन चुकी है। अब क्या पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देता हूँ, आपको पॉइंट टेबल बताता हूँ जहां पर कौन सी टीम कितने नंबर पर है और केकेआर टीम ने कितने मैच जीती है और टॉप फोर के अंदर कौन कौन सी टीम आने वाली है और ये जो भी मतलब केकेआर ने इतनी दूर तक के पहुंची इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ किसका था वो भी बताने वाला हूँ, सारी अपडेट देने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद। अगर आप केकेआर टीम के फैन है तो आपको प्राउड महसूस होगा, आप फख्र से बोलेंगे एमी केकेआर। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इस तरह के अपडेट लाते रहता हूं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि केकेआर इतने दूर कैसे पहुंची और पूरे आईपीएल की नंबर वन टीम कैसे बनी। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है ऑन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ सुनील नारायण। सुनील नारायण ने इतना अच्छा खेला, इतना अच्छा खेला कि कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि सुनील नारायण एक बॉलर होकर इतना अच्छा खेलेंगे। मतलब आपसे बता दूं करोड़ रुपए के मतलब क्रिकेटर खरीदे, बैट्समैन खरीदे हुए, लेकिन जिस लेवल पे सुनील नारायण ने खेला इस आईपीएल के अंदर, नंबर पाँच पे इनकी पोजीशन है सबसे ज़्यादा रन मारने पे, जो कि विराट कोहली के टक्कर में, विराट कोहली पहले पे, दूसरे पे गायकवाड़, तीसरे पे फिर एक केकेआर का और चौथे पे और कोई और पांचवे पे सुनील नारायण। और ऐसा ना हो कि आपसे बता दूँ अगले मैच के अंदर सुनील नारायण डायरेक्ट दूसरे पे भी जा सकते हैं। मतलब आप सोच रहे हो सुनील नारायण ने कितने रन मारे और केकेआर को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ सुनील नारायण का, क्योंकि आज भी एक मैच था आप सभी को बताऊँ केकेआर वर्सेस लखनऊ का, जिसके अंदर सुनील नारायण की सबसे ज़्यादा 80 के ऊपर रन मारे सबसे कम बॉलों के अंदर, जिसके बाद दौलत कहने के ही फिर एक बार केकेआर जीती है। तो सबसे बड़ा हाथ केकेआर को यहां तक लाने में वो है सुनील नारायण का। लेकिन ऐसे में अभी बात करते हैं कि कौन सी टीम कितने कितने नंबर पे, तो आपको सबसे पहले बता दूं सबसे आखिरी पर है पांड्या की टीम यानी कि मुंबई टीम। अगर आप नवे नंबर की बात करेंगे तो गुजरात, अगर आप आठवें नंबर की बात करेंगे तो पंजाब, अगर आप सातवें नंबर की बात करें तो आरसीबी। आरसीबी अभी अच्छा करे लेकिन पिछले मैच बहुत ज़्यादा मतलब खेली नहीं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीछे, हो सकता है कि आगे भी आ जाए। अगर आप छठे नंबर की बात करेंगे तो दिल्ली, अगर आप पाँचवें नंबर की बात करेंगे तो हैदराबाद, अगर आप चौथे नंबर की बात करेंगे तो आप सभी को बता दूँ लखनऊ, अगर आप तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे आप सभी को बताया चलो ये है सीएसके यानी कि धोनी की टीम, वो अभी पांचवें नंबर पे थी लेकिन आज उन्होंने मैच जीता जो कि तीसरे नंबर पे जा चुकी है। लेकिन अगर आप दूसरे नंबर की बात करेंगे तो आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल, अगर आप पहले नंबर की बात करेंगे तो पहले नंबर पर जा चुकी है केकेआर। अब ऐसे में आप सभी सोच रहे होंगे कि टॉप फोर के अंदर तो मैंने आपको बता दिया अभी कौन कौन सी टीम है और ये इजीली जा सकती है, पहले तो चेन्नई, दूसरे पे केकेआर, तीसरे पे राजस्थान रॉयल, और आपसे बता दूँ इसमें से कहीं ना कहीं हैदराबाद और लखनऊ को डर है, दोनों में से कोई भी जा सकता है क्योंकि अभी इनके मैच भी कम बाकी, इनके बाद 12-12 पॉइंट है। लेकिन ऐसे में बात करते हैं कि केकेआर कितने मैच जीती इस आईपीएल के अंदर, तो आपको बता दूँ कुल मिला के केकेआर के जो मैच हुए वो मैच हुए 11 मैच, जिसमें से वो कुल 8 मैच जीती और 3 मैच हारी, और आपसे बता दूँ 16 पॉइंट हो चुके हैं केकेआर के पास जो कि पहले नंबर पर है। अगर आप दूसरे नंबर की बात करेंगे राजस्थान रॉयल की, तो राजस्थान रॉयल के 10 मैच हो चुके हैं जिसमें से वो 8 मैच जीती और आप सभी को बता दूँ 16 पॉइंट हो चुके हैं। अब ऐसे में राजस्थान रॉयल भी पहले नंबर पर जा सकती है अगर केकेआर इसके बाद मैच हारी, लेकिन केकेआर तो टॉप फोर के अंदर पहुंच चुकी है, टॉप टू के अंदर भी पहुंच चुकी है, तो केकेआर को कोई खतरा नहीं। तो जाइए जश्न मनाइए, केकेआर फाइनल खेलने वाली है और ऐसा ना हो कि ट्रॉफी केकेआर के हाथ में और एसआरके भी उनके साथ हमें नजर आए, एक नया जश्न देखने को मिले। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस आईपीएल के अंदर किसे सपोर्ट करें, कि आपकी केकेआर टीम फेवरेट है, किसकी वजह से फेवरेट है, एसआरके के वजह से या फिर उनके गेम के वजह से, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए, क्योंकि केकेआर का मैच अगर आप देखना सारी अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।